सब्सक्राइब कीजिए रोचक फैक्ट्स, बेल आइकन दबाइए और जाने रोचक बातें। हेलो फ्रेंड्स, आज हम असम से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे। साल 2011 की जनसंख्या के अनुसार असम की कुल आबादी 3,12,00,000 है और यह भारत का 15वां सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गया है। असम की कुल आबादी से लगभग 61% आबादी हिंदू है, जबकि 35% आबादी मुस्लिम, 4% ईसाई और बाकी जैन, बौद्ध आदि धर्मों से संबंधित होते हैं। असम को प्राचीन काल में प्राग्ज्योतिषपुर भी कहा जाता था। मौर्य काल के समय असम का पश्चिमी भाग मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, जिसे शायद महाराज चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। असम कभी भी मुस्लिम शासकों के कब्जे में नहीं रहा। औरंगजेब ने भी असम पर हमला किया था, लेकिन असफल रहे। आज़ादी के बाद असम एक बड़ा राज्य था, जिसकी राजधानी शिलांग थी। संस्कृति पर आधारित अलग अलग राज्यों की मांग को लेकर 1968 में नागालैंड को, फिर 1972 में मेघालय और मिजोरम को असम से अलग कर दिया गया। असम की राजधानी शिलांग मेघालय राज्य में चली गई, जिसके बाद दिसपुर को असम की राजधानी बनाया गया। असम की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार से मिलती है। ब्रह्मपुत्र नदी को असम की लाइफलाइन कहा जाता है। यह नदी राज्य के बिल्कुल बीच से होकर निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी करीब 100 किलोमीटर चौड़ी और 1000 किलोमीटर लंबी है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। असम के कांजीरंगा और एक सींग वाले गैंडे और हाथियों के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। असम में भारत की सबसे ज़्यादा जंगली भैंसें पाई जाती हैं। असम का सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है और यह संसार में शामिल है। प्रति व्यक्ति आमदनी के हिसाब से असम का स्थान भारत के सभी राज्यों में नीचे से चौथे स्थान पर आता है। सिर्फ बिहार, उत्तर प्रदेश और मणिपुर ही असम से पीछे हैं। भारत में सबसे ज़्यादा कच्चे तेल के भंडार असम में ही पाए जाते हैं। असम में भारत का लगभग 50% खनिज तेल का भंडार सुरक्षित है। भारत की 25% पेट्रोलियम ज़रूरतें असम से ही पूरी की जाती है। असम में भारत में पहले नंबर पर था। भारत की 55% और विश्व की 16% चाय का उत्पादन असम ही करता है। असम संसार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कैसा लगे कमेंट्स में बताइए।